अनुषा, अनुषा एक मिनट। तुम अकेली जा रही हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं कार लेकर आई हूँ। और मेरी बाइक का क्या, जो तुम्हें इतने दिनों से ढूंढ रही है, मिस कर रही है? आई एम सो सॉरी बाइक जी, बट आई एम श्योर आप मेरी फीलिंग्स को समझते हो। कुछ लोग तो फीलिंग्स ही नहीं समझते। फीलिंग्स तो कोई तब समझे जब कोई फोन उठाए, बात करे। कितने फोन किए तुम्हें, कितने मैसेजेस किए, एक का भी रिप्लाई नहीं किया तुमने। बात नहीं करनी थी तो एटलीस्ट फोन ऑन करके छोड़ देती। तुम्हारी सांसों में तुम्हारी खामोशी की आवाज तो सुन लेता, उस खामोशी से बात तो कर लेता। जिसने तुम्हें मुझसे बात करने के लिए रोका। उस दिन जब मैं तुम्हारे सामने थी, तब तो मुझसे कुछ बात नहीं की तुमने, तो मेरी खामोशी से क्या बात करते? अब अनुषा, तुम्हारे पास वो प्रसाद वाले पेड़े और हैं क्या? क्यों? बहुत भूख लगी है। तो क्या है ना कि कितनी देर से हम बहस कर रहे हैं और अभी ये बहस और चलेगी, तो आई थिंक बहस करने के लिए कम से कम पेट भरा हुआ हो तो अच्छा है। अच्छा, पेट भर जाएगा तुम्हारा। वाह अनुषा, मुझे लगता है कि हमें कम से कम हफ्ते में 2-3 बार तो झगड़ा कर ही लेना चाहिए। I'm sorry आयुष, I'm really sorry for everything। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। I'm sorry, I'm really sorry। ये तो व्रत का असर होगा वो इन दोनों पे। थैंक यू महादेव, बहुत बहुत थैंक यू। तो डिसाइड हो गया, अब से हम में से कोई भी एक दूसरे की कॉल अवॉइड नहीं करेगा। मूड खराब है, बात करने का मन नहीं है, तो फोन उठा के बता देगा कि यार अभी मूड खराब है, बाद में बात करते हैं। ओके डन। पर ये कंडीशन मुझ पे नहीं, तुम पे भी लागू करते हैं? ऑफ कोर्स, मुझ पे भी लागू होते हैं। ओके, आई शुड गो नाउ। ओके, बाय बाय। आयुष, कितने पैसे की जरूरत है? कुछ 50,000 रुपए। लेकिन तू रहने दे आयुष, इतने पैसे इतनी जल्दी अरेंज करना मतलब इट्स ओके जीजू। मेरे पास कार्ड है ना, मैं अभी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। जीजू, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। उस वक्त मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी और अनजाने में मैंने पैसे के लिए गलत दोस्त और गलत राह चुनी। वैसे मैं बुरा नहीं हूं आयुष, मेरा वक्त बुरा चल रहा था। अब मुझे अपनी सब गलतियों का एहसास हो गया है मैं बदल गया हूँ पूरी तरीके से। I have changed completely. Trust me. अंदर चल के बात करते हैं। हाँ चलो। आयुष, वैसे मैं दीपा को वापस घर ले जाने के लिए आया हूँ। अंदर चल के बात करते हैं। ठीक है, चलो। भाई। अनुषा गई थी मुंबई, वहाँ से सिद्धिविनायक का प्रसाद लाई है। अरे, मुझे मिले बिना कैसे जा सकती है अनुषा? क्यों? तुझे क्या काम था? वो एक्चुअली वो जो काजल यूज करती है ना, वो मुझे बहुत पसंद है और वो मुझे लेना है। उससे वही पूछना था और कुछ डिस्कस भी करना था उसके साथ। क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस कर सकता हूँ दीपा? जमाई जी, आइए आइए, अंदर आइए। सतीश जी आइए ना। दीपा दी, एक बार बात कर लीजिए। हाँ दीपा, मैं आज यहाँ अपने टूटे हुए रिश्ते को बचाने के लिए तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। सतीश बेटा बैठो। अब बचा क्या है बात करने को? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कितना शर्मिंदा करोगी मुझे दीपा। मैं गलत था और मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है, इसीलिए तो आज यहाँ सबके सामने अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांगने आया हूँ। प्लीज दीपा, भूल जाओ पुरानी बातों को और मेरे साथ वापस घर चलो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा उस घर को छोड़ के यहां चले आने के लिए जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। तुम्हारे बहुत समझाने के बावजूद मैंने वो जॉब छोड़ दिया और अपना बिजनेस शुरू किया। हाँ, बिजनेस में नुकसान हुआ और बजे कि मैं अपनी गलतियां मानूं, मैं और चिड़चिड़ा हो गया और छोटी छोटी बातों पे तुमसे झगड़ा करने लग गया। मैंने तुम्हें इतना मजबूर किया दीपा कि तुम्हें वो घर छोड़ के यहां आना पड़ा। पर दीपा, अब मैं ये बात समझ चुका हूं कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है और आज के बाद तुम जो कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। बट प्लीज घर वापस चलो मेरे साथ। दीपा, अरे माफ कर देना उसे, माफी मांग तो रहा है। और देखो, गुस्सा करने से कुछ नहीं हासिल होता, अपना ही नुकसान होता है। मैं तो कहती हूँ दोनों साथ में अपनी जिंदगी फिर से शुरू करो। दीपा, मौसी बिल्कुल सही कह रही है। दीपा, दीपा लेकिन अंतिम निर्णय तेरा ही होगा। हम हमारी बात मानने पर तुझे मजबूर नहीं करेंगे। हम सब तेरे साथ हैं। तू जो भी निर्णय लेगी हमें मंजूर होगा। अब मेरे ख्याल से अब आयुष की शादी तक ना सतीश को यही रुक जाना चाहिए। थोड़े दिन दोनों साथ में रहेंगे तो दोनों के दिल फिर से मिल जाएंगे। हाँ, ये तो दीपा और सतीश दोनों के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन सतीश को इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अरे मुझे क्या समस्या हो सकती है? मैं दीपा को मनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और आखिर ये मेरा भी तो घर है। आप सब मेरे अपने ही तो हैं। ठीक है, रुक जाओ थोड़े दिन। पर मुझे नहीं लगता इससे कुछ फायदा होने वाला है। कैसी बातें कर रही थी दीपा? आप बैठे ना। हाँ। अरे सतीश बेटा, दिल छोटा मत करो। मैं जानती हूँ दीपा को। ये दिखने में जितनी कठोर है ना, अंदर से उतनी नरम है, बिल्कुल मेरी तरह। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।